नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं प्रीति। कुमकुम भाग्य की एक्ट्रेस श्रुति झा को आपने टीवी पर जरूर देखा होगा अगर आप टीवी सीरियल्स के शौकीन हैं तो। कुमकुम भाग्य में प्रज्ञा का किरदार निभाने वाली श्रुति झा आज एक टीवी इंडस्ट्री का जीता जागता और एक बहुत ही फेमस नाम बन चुकी है। आपको बता दें कि श्रुति झा बिहार के बेगूसराय की रहने वाली है। इन्होंने टीवी इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल किया है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज हम इन्हीं के बारे में आपको कुछ दिलचस्प बातें बताने वाले हैं। बता दें कि इनका जन्म 26 फरवरी 1986 में बेगूसराय में हुआ। बिहार में कुछ समय रहने के बाद श्रुति अपने परिवार के साथ कोलकाता चली गई। वहीं से अपनी पढ़ाई इन्होंने पूरी की। कोलकाता में 10 साल रहने के बाद एक्ट्रेस अपने परिवार के साथ नेपाल काठमांडू चली गई और आगे की पढ़ाई वहां से की। श्रुति ने बीए अंग्रेजी की पढ़ाई दिल्ली के वेंकटेश्वरा कॉलेज से की, जहां उन्होंने अंग्रेजी ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन किया। इस दौरान एक्ट्रेस कॉलेज प्रेसिडेंट भी बनी। कॉलेज के दिनों में ही श्रुति को धूम मचाओ धूम के लिए चुना गया। अपने पहले सीरियल में एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया और इसके बाद उन्हें लगातार सीरियल्स मिलते गए। इसके बाद श्रुति ने जिया जले, अंगद, ज्योति, शौर्य और सुहानी, रक्त जैसे कई सारे सीरियल्स किए। सीरियल्स दिल से दी दुआ, सौभाग्यती भवा से श्रुति ने हर किसी के दिल को छू लिया। इस सीरियल ने ज़बरदस्त सफलता हासिल की। शो के खत्म हो जाने के बाद श्रुति को बालिका वधु में डॉक्टर गंगा का किरदार मिला। इसके बाद श्रुति को उनके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक मिला। श्रुति को शो कुमकुम भाग्य मिला। सीरियल में प्रज्ञा का किरदार निभा करके श्रुति हर घर में प्रज्ञा के नाम से जानी जाने लगी। प्रज्ञा और अभी टीवी की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक है। अपने इस किरदार के लिए श्रुति ने कई सारे अवार्ड्स अपने नाम किए और अब तक यह छोटे पर्दे पर सबसे पसंदीदा सीरियल भी बन गया है। इतना ही नहीं, इस सफलता के बाद श्रुति टीवी इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से भी गिनी जाती है। आपको बता दें कि श्रुति झा को प्रज्ञा के नाम से हर एक घरों में जाने जाने लगा है और ये टीवी इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी शख्सियत भी बन चुकी है। आज की सफलता से संघर्ष भरी कहानी में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।